तुमको समझ नहीं आ रही है? अपना ही भाभी का वीडियो कट्टा को भेजते हुए हरामी साला। हेलो गाइस, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो मैं आपके लिए खुल जा सिम सिम का लास्ट और आठवां एपिसोड लेकर आ गया हूँ। अब यहाँ आपको देखने मिला है कि अवधेश एग्जाम देने के बाद घर आता है और वो बहुत टेंशन में था। सिम पूछती है क्या हुआ, तो वो बोलता है पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उस अमरवा जिसे हम अपना भाई समझे थे, उसने ही वो तुम्हारा बाथरूम वाला वीडियो कट्टा को भेज दिया और अब वो साला हमें ब्लैकमेल कर रहा है। सिम बोलती है पहले हमें भी ये सब ऐसे ही लगता था, क्योंकि वो सब हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, लेकिन अब आप ही टूट जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तभी समर वहाँ आता है और पूछने लगता है क्या हुआ भैया, काहे रो रहे हो। अवधेश सिम को बोलता है इसे बोलो चले जाए यहाँ से, नहीं तो हमारे हाथ से एक मर्डर हो जाएगा आज। तो समर बोलता है पहले बात तो बताइए क्या हुआ भैया। तो अवधेश बोलते हैं तुमको शर्म नहीं आई, अपनी ही भाभी का वो वीडियो कट्टा को भेज दिया। तो समर बोलता है मैया कसम भैया, हमने ऐसा नहीं किया है। वो बोलते जा रहा था कि हमने ऐसा नहीं किया है, तभी खिड़की से कोई आवाज़ आती है, जैसे कि कोई वहाँ खड़े होकर इनकी बातें सुन रहा था। सिम भी समर को बोलती है कि तुम सही बोल रहे हो ना। समर भी बोलता है हाँ भाभी, हमने नहीं किया ऐसा। तो अवधेश बोलता है तुमने नहीं तो तुम्हारा वो भैया तेज ने किया होगा। तो समर बोलता है अरे भैया उनको ढंग से मोबाइल खोलने नहीं आता, वो क्या किसी को कुछ भेजेंगे। तो ये दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं तो भेजा किसने। तो अब सिम बोलती है क्यों ना हम लोग चूहे और बिल्ली का खेल खेलते हैं। और अब कहानी वापस से वहीं आ जाती है जहां सातवां एपिसोड खत्म हुआ था। अब सिम बिल्ली जैसा कॉस्ट्यूम पहनकर आती है और सिम को देख के तो इसके मुंह से ऐसी लार टपक रही थी। कट्टा बोलता है एक फ़ोटो लेने दीजिए। तो सिम बोलती है अब फोटो ही लेंगे तो हमारी कब लेंगे आप। कट्टा बोलता है कि बिल्ली चूहे को पकड़ेगा या चूहा बिल्ली को। तो सिम बोलती है आज चूहा बिल्ली को पकड़ेगा। तो अब ये दोनों की पकड़म पकड़ाई शुरू हो जाती है और कट्टा भैया को इस खेल में काफ़ी मज़ा आ रहा था। अब कट्टा भैया बोलते हैं हमारा चूहा देखेंगी। तो सिम बोलती हैं दिखाएं। अब कट्टा जैसे ही अपना चूहा दिखाता है, सिम बोलती है छी इस घने जंगल में तो एक हाथी भी ना दिखे। कट्टा बोलता है कोई कंप्लेन ही नहीं किया आज से पहले। कट्टा बोलता है रुकिए हम उस्तरा लाते हैं, फिर आप हटा देना इसे। कट्टा भैया उस्तरा लेने जाते हैं और यहाँ अवधेश किसी को फोन में बोलता है जल्दी करिए टाइम बहुत कम है। अब कट्टा भैया उस्तरा लेकर आ गए थे, फिर वो उसे सिम को देते हैं और सिम उनका जंगल अच्छे से साफ करती है और फिर बोलती है अब आया ना आपका चूहा बाहर, वैसे काफ़ी खाते पीते घर का है आपका चूहा। तो कट्टा बोलता है पकड़ लीजिए अपने हाथों से, नहीं तो कहीं भाग जाएगा, बिल्ली हो खा लो इस चूहे को। तो सिम बोलती चूहा क्या कोई हाथ से पकड़ता है, उसका भी जुगाड़ है हमारे पास। अब सिम कट्टा को बोलती है आंखें बंद करो अपनी। अब कट्टा अपनी आंखें बंद करता है और सिम जाकर चूहे दानी लाती है और उस चूहे को उस चूहे दानी में ऐसा फंसाती है कि चूहे से खून विन सब फेंक देता है। मतलब सिम ने कट्टा भैया के औजार को उस चूहे दानी में ऐसा तेज से फंसाया था कि वहाँ से खून विन सब फेंक फेंक देता है। कट्टा भैया तेज से चिल्ला उठते हैं। कट्टा भैया बस चिल्लाए जा रहे थे। सिम बोलती है आइंदा से इस बिल्ली का रास्ता काटने का ना देखना, नहीं तो अभी तो बस नीचे से काटे हैं ऊपर से भी छोटा कर देंगे। और तभी अवधेश और पुलिस वाला उसके साथ में आ जाता है। पुलिस वाला कट्टा को बोलता है चलो अब तुम्हारी अच्छी सी खातिरदारी होगी। पुलिस वाला अवधेश को बोलता है आप अपनी मिसेस को लेकर चले जाइए, हम इसे देख लेंगे। अब पुलिस वाला उसे ले जाने वाला होता है तो कट्टा भैया बोलते हैं देख लेंगे इस सिम को। अब पुलिस उसे लेकर चली जाती है। अब यहाँ अवधेश सिम के साथ करने के लिए बहुत ही उछल रहा था और सिम भी उसके लिए मस्त तैयार होकर आने वाली थी। सिम उसे बोलती है आप अपनी आँखें बंद करें और बोलिए खुल जा सिम सिम। अब अवधेश आंखें बंद करता है और बोलता है खुल जा सिम सिम और सिम आती है अंदर से बाहर। सिम ने मस्त छोटी सी सेक्सी नाइटी पहन के रखी थी जिसे देखकर तो अवधेश भी एकदम खुश हो गया था। पूछने लगता है ये कहाँ से लिया, ये तो हमारे शहर में नहीं मिलता। तो सिम उसे बताती है ये हमने ऑनलाइन मंगाया है। तो अवधेश बोलते है अच्छा तो यहीं से तुमने वो बिल्ली वाला सूट भी मंगाया होगा। तो सिम बोलती है हाँ। अवधेश बोलता है एक बार छू के देख ले क्या। तो सिम बोलती है हम भी आपके और हमारा ये भी आपका। सिम उसे बोलती है पहले ये तो निकाल लीजिए। अब अवधेश निकालता है और बोलता है ये चड्डी है या रुमाल, ये धागा से कितना ढकेगा। तो सिम बोलती है आजकल ऐसे ही चला है, जितनी जरूरत उतना ही ढके, बाकी सब हवा हवाई। अवधेश बोलता है हमारा तो उल्टा हो गया है, हमारा तो एकदम गर्मा गया है और हमारा तो एकदम टंटना गया है। तो सिम बोलती सही में दिखाओ दिखाओ। और सिम उसका जैसे ही खोल के देखती है, आज पहली बार सिम खुश हो गई थी क्योंकि अवधेश का एकदम सही से और अच्छे से जागा हुआ। तो अब दोनों शुरू होते हैं और पहली बार ऐसा लग रहा था कि अवधेश में किसी शैतान की ताकत आ गई है। वह इतने जोड़ों तोड़ों से सिम के साथ लगा हुआ था कि मानो कोई और ही कर रहा हो। और सिम को भी पहली बार खूब मजा आ रहा था। दोनों के बीच पलंग तोड़ सेक्स होता है। पलंग पे रखे सारे सामान गिर के टूट टाट चुके थे और दोनों के बीच काफी लंबा सेक्स होता है और सिम की भी आज जाकर पूरी प्यास बुझी है।
और वहीं हो जाता है एपिसोड खत्म और होती है इस वेब सीरीज की हैप्पी एंडिंग। ये तो पता नहीं चला कि वो वीडियो कट्टा भैया को किसने भेजा था और इसके आगे का कट्टा भैया कुछ करने वाले हैं क्योंकि वो तो थे पुलिस के कब्जे में। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके ये जरूर बताए कि आपको ये पूरी सीरीज कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।